नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर में ज्योति निकेतन स्कूल के समीप स्थित गाजी दलेर खां कब्रिस्तान के मालिकाना का फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्रिस्तान की भूमि को बेचने का आरोप लगाकर मुस्लिम रिलीफ कमेटी के सेक्रेटरी अमीस अहमद ने शनिवार को नगर के तकिया में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह गाजी दलेर खान कब्रिस्तान के सदस्य भी हैं। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान के दो रकबा हैं, एक 6 एकड़ 300 कड़ी है, वहीं दूसरा 950 कड़ी है। इसमें 950 कड़ी के रकबे में कुछ भूमि बेच दी गई है। इसमें जमींदार और डीएम के फर्जी दस्तावेज तैयार कर इसके आधार पर जुम्मन नाम के एक व्यक्ति द्वारा मालिकाना हक प्राप्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जुम्मन के दादा यहाँ पर कब्र खोदने का काम करते थे। अनीस अहमद ने बताया कि बीते 9 अक्टूबर को एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि अब इस मामले का उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है और आयोग ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को पत्र भेजकर इस प्रकरण में विपक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने के संबंधित एचएसओ को मैं प्रगति आख्या आयोग के समक्ष 6 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है, जिसमें अब न्याय की उम्मीद जगी है। 2007 में वो कब्रिस्तान में सुअर वगैरह बहुत घूमते थे, तो ये तय हुआ कि इसकी बाउंड्री करवा दी जाए। उस वक्त हम बाउंड्री करने के, जब से हमें ये है कि इसकी पूरी कब्रिस्तान सेफ्टी हो जाए। एक की बाउंड्री होगी, जब दूसरे की बाउंड्री करने चले तो ये सारा परकड़ खुला। वो दो हिस्से में है, एक 6 एकड़ 300 कड़ी है, दूसरा 950 कड़ी है। तो आपने तब से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया था? जब से उस मोहल्ले के लोग कार्रवाई करते रहे हैं, मैंने ये पता लगाया जब मुझे एक साल पहले मैं जमींदारों से मिला, कलेक्टर साहब के पोते से मिला और सारे दस्तावेज देखा, तो इन लोगों ने तो फ्रॉड है, तब मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ कि तो फ्रॉड किया जा रहा है। बीच में 10 साल आपने इस पर कोई काम नहीं किया? नहीं, मुझे इल्म नहीं था सर, मैं वहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर रहता हूँ। हाँ जी, कुछ लोगों ने संपर्क किया, मैंने कागजात लिया, उनके घर गया, गांव गया, सिबली स्कूल से 1921 का दस्तावेज निकालने में 2 साल मुझको लग गया। मामूली बात नहीं, जहाँ सिबली स्कूल में 20 साल का दस्तावेज आप नहीं निकाल पाएंगे, 100 साल का तो बड़ी दुश्वारी की बात है। एक एक दस एक एक रजिस्टर पर कई कई किलो तो गर्दा पड़ा हुआ है। आपका प्रतिनिधिमंडल एसपी साहब से मिला था, तो उसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती? एसपी साहब से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था, तो हमसे वहाँ पर एक साहब बैठे हुए थे सिपाही, वो हमसे कहे कि अपना बयान दर्ज करवा दीजिएगा। तो सोमवार को हम लोग एसपी से मिले थे, मैं बुध को जाके बयान दर्ज करवाया और सारे सबूत को खोल के दिखाया उनको। उन्होंने कहा कि सारे सबूत की फ़ोटो कापी करवाइए, सब पर दस्तखत करिए। ये सारी चीज़ें हमने करके उनको दे दिया 12 तारीख को। जब से हमें कुछ नहीं मालूम कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।